नमस्कार। देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूँ मैं शोभना यादव। मातृभूमि में आज बात मातृभूमि के उस लाल की, जिसने भारत के दुश्मन पाकिस्तान पर ऐसा वार किया था कि पूरी दुनिया ने उनका अभिनंदन किया। आज उसी अभिनंदन के सीने पर वीर चक्र सजाया गया, जिसने देश के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया था। देखिए देश की आन बान और शान बढ़ाने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की वीरता की पूरी कहानी। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। देश के जिस वीर बेटे ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से लोहा लिया, दुश्मन का फाइटर प्लेन मार गिराया, पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू वायु यानों को जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायु यानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। राष्ट्रपति भवन में जब हिंदुस्तान के उस बलवान का अभिनंदन वीर चक्र से किया गया तो पूरा अशोका हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के इस सम्मान समारोह का हिस्सा थे। अभिनंदन की वीरता की यह कहानी फरवरी 2019 की है, जब पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। अगले दिन ही बौखलाए पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत में घुसने की कोशिश की। उसी दौरान तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान MiG-21 ले उड़े और उन्होंने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का पीछा करके उसे मार गिराया। हालांकि इस ऑपरेशन में अभिनंदन का प्लेन क्रैश हो गया और वो POK में जा गिरे, जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंधक बना लिया। करीब 60 घंटे तक अभिनंदन पाकिस्तानी सेना के कब्जे में रहे और आखिरकार वो देश लौटे थे। अभिनंदन को उस वीरता के लिए विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन प्रमोट कर दिया गया और आज उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। दर्शकों को बता दें कि वीर चक्र सैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। देश के वीर शहीद विभूति को मरणोपरांत आज शौर्य चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद विभूति की पत्नी और मां को वीरता का सम्मान दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। शहीद विभूति ने पुलवामा हमले में शामिल आतंकी को मार गिराया था और उस गोलीबारी में शहीद हो गए थे। बाद में शहीद की पत्नी निकिता भी सेना में शामिल हुई, आज मेजर हैं। निकिता, वीर विभूति की पूरी कहानी आज मातृभूमि की एक दूसरी कहानी आप देखिए। वीरता, प्रण और सम्मान के संगम की ये तीन तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर तब की है जब मातृभूमि की सेवा करते हुए उत्तराखंड के रहने वाले देश के सपूत मेजर विभूति ढोंडियाल शहीद हुए थे। तब पति की शहादत पर पत्नी निकिता की इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश रोया था। बाद में निकिता ने पति के सपनों को पूरा करने के लिए सैनिक की वर्दी पहनी और आज गर्व के साथ पति की वीरता के लिए शौर्य चक्र का सम्मान हासिल किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। मेजर विभूति जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे। साल 2019 में जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमले के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ एक्शन के दौरान शहीद हुए थे मेजर विभूति। पिंगलाना जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान
आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी। घायल होने के बावजूद इस जाबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति। शहीद मेजर के सम्मान समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेजर विभूति का जन्म 19 फरवरी 1985 को हुआ था। शहीद विभूति तीन बहनों के इकलौते भाई थे। साल 2011 में सेना का हिस्सा बने थे। 19 अप्रैल 2018 को मेजर विभूति की शादी निकिता से हुई थी, लेकिन शादी के महज 10 महीने ही हुए थे कि मेजर विभूति वीर गति को प्राप्त हुए। पठानकोट में आतंकियों ने सेना के कैंप को फिर से दहलाने की कोशिश की। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आधी रात को जब देश चैन की नींद सोने जा रहा था, तब आतंकी अपने नापाक मंसूबों के साथ दहशतगर्दी में जुटे थे। आतंकियों के निशाने पर यही त्रिवेणी गेट था। ये त्रिवेणी गेट कोई आम गेट नहीं है। पंजाब के पठानकोट में स्थित भारतीय सेना के कैंप का गेट है, जिसे उड़ाने के इरादे से बाइक सवार आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकी। यहीं से एक शख्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और यहां इस त्रिवेणी द्वार के बाहर एक ग्रेनेड फेंका, जो यहां बाहर फटा। हालांकि इस ग्रेनेड के फटने से किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद वो इसी रास्ते से आगे भागने में सफल हुआ है। त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड हमले से किसी भी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाइक सवार आतंकी भी अब तक पुलिस फोर्स के हाथ नहीं लगा है। हमले के तुरंत बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा तेज हो गया है। पठानकोट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी की मदद से आतंकी को पकड़ने की कोशिश जारी है और ड्रोन से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आज से ही साथ में एसोसिएटेड है हमारी टीम जो यहाँ की है काउंटर इंटेलिजेंस की, दैट वाज हियर ओनली इन द नाइट आल्सो, और लगातार हम साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। हम कलेक्ट जो हमारे पास कुछ एक चीज़ें होती हैं, कुछ लोकल पुलिस के पास होती हैं, हम साथ में मिलकर के काम करते हैं, सो दैट जो भी केस है उसको हम जल्द से जल्द ट्रेस कर सकें। अभी तक क्या कुछ जानकारी आप हमें दे सकते हैं? अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। इस टाइम पे कुछ भी शेयर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन इट। ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने पठानकोट में सेना के कैंप पर काली नजर लगाई है। आतंकियों की नाकाम कोशिशों ने 5 साल पुरानी पठानकोट आतंकी हमले की तस्वीरों को जिंदा कर दिया। 30-31 दिसंबर 2015 की रात को आतंकी पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसे। 2 जनवरी 2016 को आतंकी पठानकोट में वायुसेना के बेस में घुसे। हमले में सेना के ऑफिसर समेत 7 जवान शहीद हुए। सेना ने भी 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान सीमा से सटे होने की वजह से पठानकोट भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, साथ ही भारतीय सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों में से भी एक है। सीमा पार से पाकिस्तान लगातार पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश में जुटा रहता है। इससे पहले अक्टूबर में सीमा पर ड्रोन देखे गए और जुलाई में पठानकोट में एक संदिग्ध गुब्बारा भी देखा गया था। इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं। त्रिपुरा मामले में अब टीएमसी के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच गए हैं। इससे पहले गृह मंत्री कार्यालय के सामने आज दोपहर टीएमसी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के सामने 10 से ज्यादा सांसद टीएमसी के सुबह से धरने पर बैठे हुए थे और अब टीएमसी के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। बड़ी मांग टीएमसी के सांसदों की विप्लव देव सरकार त्रिपुरा में, उसको बर्खास्त करने की। सयानी घोष जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं उसको लेकर भी नाराज टीएमसी के सांसद। आज शाम को ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, भी दिल्ली पहुंच रही हैं।
टीएमसी के 17 सांसद गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने। खेला होवे खेला होवे। दीदी हमारा पीएम होवे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, मांग तो विप्लव देव सरकार को बर्खास्त करने की है, लेकिन यहाँ पर तो नारे कुछ और ही लग रहे हैं, लेकिन अब गृह मंत्री के पास ये 17 सांसद पहुंच गए हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल शोभना, अब से करीबन आधे घंटे पहले ये टीएमसी के सांसद पहुंचे हैं गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए। सुबह से करीबन 4 घंटे का धरना भी दिया, और धरना कहाँ दिया गया है, ये दिया गया नॉर्थ ब्लॉक पर जहां पर गृह मंत्रालय है, और वहां पर जो है उनको जानकारी दी गई अब से करीबन जो है 1 घंटे पहले कि गृह मंत्री उनसे मिलेंगे और वो मुलाकात होगी शाम को 4 बजे, जिसके बाद में गृह मंत्री के घर पहुंचे हैं ये 17 सांसद टीएमसी के सांसद। जब हमने उनसे बात की, उनका यही कहना है कि त्रिपुरा के जैसे हालात हैं वो सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, खास तौर पर क्योंकि नगर निकाय के चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर जो है एक फेयर प्ले करना है या फिर एक लोकतंत्र के हिसाब से चलना है तो वहां पर सभी पार्टियों को अपना जो प्रचार प्रसार करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और इसी वजह से विप्लव देव सरकार के ऊपर भी लगातार हमलावर है तृणमूल कांग्रेस। और यह भी समझा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद दिल्ली पहुंच रही है, और उनके आने से पहले यह पूरा घटनाक्रम घटा है। और रही बात ममता बनर्जी की, तो आने वाले दिनों में अगले 2-3 दिनों के दौरान जब वो दिल्ली में है तो जैसी जानकारी है कि वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगी, लेकिन उससे पहले ये घटनाक्रम जब टीएमसी के 1 दर्जन से ज्यादा सांसद धरना प्रदर्शन पर पहुंचे और फिलहाल अब वो मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से। अंकित गुप्ता, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। आज मोगा में उन्होंने रैली करके पंजाब जीतने के लिए महिला वाला दांव चल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पार्टी सत्ता में आई तो 18 साल के ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो ये फ्री वाली जो राजनीति है उसको आप देखिए और समझिए। और हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हुए हैं। जो हमने सर्वे किया था उसमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन ये जो हर महिला को 1,000 रुपये देने वाला दांव है वो कितना असर करेगा ये तो नतीजे बताएंगे। महिलाओं की सशक्तिकरण की कि महिलाओं को शक्ति देनी चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए, इसकी बातें तो बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेता भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहते हैं पैसे में बड़ी ताकत होती है, होती है? अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी जा सकता है, आदमी को आजादी मिल जाती है, पैसा बड़ी ताकत देता है। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी, पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे सबके। अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1,000-1,000 रुपये आएंगे। आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं वो 2 दिन बाद वही बोल देता है, करता नहीं है, करता नहीं है, नकली है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी हैं, जिस जिस की बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो, किसी का बिजली का बिल 0 आया? पूरे देश में बिजली का बिल 0 एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। बिजली का बिल 0 करना किसी को नहीं आता,
केवल केजरीवाल आपके बिजली के बिल जीरो कर सकता है, तो उस नकली केजरीवाल से बच के रहना। तो फ्री पॉलिटिक्स का तड़का आप देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मोगा में मौजूद हैं। वहां कह रहे हैं कि हर घर में महिलाओं को जो 18 वर्ष से जिनकी आयु ऊपर है उनको 1,000 रुपये दिया जाएगा। अगर सास बेटी और बहू एक साथ रहते हैं तो तीनों के अकाउंट में 1,000 रुपये आएगा। विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जिस तरीके की फ्री की राजनीति अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जाती है, वो चरणजीत सिंह चन्नी पर ये कहकर भी हमलावर हैं कि एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री के ऐलान के बावजूद किसान आंदोलन वापसी पर तैयार नहीं दिख रहे हैं राकेश टिकैत। लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें फैसला यह लिया गया कि सरकार बातचीत से इसका समाधान निकाले। किसानों का कहना है कि हमारे बहुत से मसले हैं और एमएसपी पर सरकार का क्या रुख है ये साफ करें, यानी एमएसपी को कानून के दायरे में लाया जाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राकेश टिकैत इस किसान आंदोलन को लेकर। पंचायत फैसला हुआ, फैसला ये हुआ कि अभी सरकार बातचीत से इसका समाधान निकाले। हमारे बहुत मसले हैं, एमएसपी पे सरकार का क्या रुख है उसको देनी है या उस स्पष्ट बने करें, हम भी अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। जो बिजली अमेंडमेंट बिल है उस पर सरकार का क्या रवैया है, सरकार बातचीत ही करना नहीं चाहती। ये पहली बार देखा कि किसी मामलों में सरकार बातचीत ही नहीं कर रही। एमएसपी कानून बनाने की आप मांग कर रहे हैं, क्या होगा इस कानून में, क्या सोचा है? इसमें कानून में ये होगा कि उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, मंडी में उससे नीचे बोली नहीं लगेगी। ये यूपी सरकार से जुड़े हुए तमाम विषय, उत्तर प्रदेश सरकार के भी तमाम विषय आपने महापंचायत में चर्चा की है, वो क्या है? बेरोजगारी का है, उनकी नौकरियों का है, ये सारे सवाल। तो चौधरी राकेश टिकैत है इस वक्त महापंचायत से निकल रहे हैं और कहना साफ तौर पर यही है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती है। मुख्य मुद्दा जो एमएसपी कानून का है वो है और उसको लेकर के आंदोलन जारी रहेगा और एमएसपी कानून के बाद जो और दूसरे कई विषय हैं उनको लेकर के कमेटी बनाई जाएगी और फिर वो कमेटी निर्णय लेगी कि आगे का आंदोलन किस तरह चलाया जाएगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज लखनऊ। तो किसानों की महापंचायत, वहां मौजूद नेता किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम अभी ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, एमएसपी पर सरकार कानून बनाए, बिजली बिल को लेकर जो बात कही गई है उसमें बहुत सारे संशोधन की ज़रूरत है, जो मुकदमे किसानों के ऊपर लगाए गए हैं उनको हटाया जाए। तो एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है इन किसान नेताओं ने जो दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। उनका यही कहना है कि यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे साथ सरकार बातचीत नहीं करेगी। যেভাবে অ্যারেস্ট করছে সেটা যে যে সমালোচনা সেটাকে ওনাকে রিমাইন্ডার দেওয়া হয়েছে, উনি শুনেছেন, উনি শুনে যে কথা বলেছেন আমাদের, যে ভাই আমি যে আমরা আমি গতকাল না না গতকাল গত সন্ধ্যেবেলা বিপ্লব চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরার সঙ্গে কথা বলেছি এবং আজকে আপনাদের কথা শুনলাম। गृहमंत्री से मुलाकात की है टीएमसी के सांसदों ने, डोला सिन्हा हमारे साथ में है। डोला जी, मुलाकात हुई है गृहमंत्री से, क्या भरोसा मिला? उन्होंने बोला ही विल टेक केयर ऑफ इट। तो आप लोगों की क्या क्या मांगे थे जिसको लेकर के आप लोग यहां तक पहुंचे थे, कितनी देर मुलाकात हुई? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, अपोजिशन का पॉलिटिकल प्रैक्टिस उदन हो जाए और नॉन अवेलेबल केस वगैरह नहीं दिया जाए और अटैक वगैरह कुछ ना हो, यही। आप लोगों के नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया, कॉपी आपको मिल गए होंगे। आप लोगों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई की भी मांग की गई है जो एफआईआर? नहीं नहीं नहीं, क्यों, तो कोर्ट में गए, कोर्ट के बारे में गृह मंत्री क्या करेंगे। तो लेकिन हमने बोला कि इसी तरीके से एक आर्टिस्ट भी है उनके खिलाफ बेवजह नॉन अवेलेबल केस, ये ठीक नहीं है। उसके अलावा नगर निकाय चुनाव होने हैं तो आप लोगों की चिंता उसी को लेकर के है कि वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी रेस्टोर करने का चिंता है? इलेक्शन तो बाद का बात है। तो गृह मंत्री ने क्या कहा है? ही विल टेक केयर ऑफ इट, ही विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ इट। कितनी देर तक ये मुलाकात हुई? अभी 10-15 मिनट बात हुआ। 10-15 मिनट बात हुई है, मांग यही है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बचाया जाए, जिस पर जो गृह मंत्री ने भरोसा दिया है कि वो इनकी बातों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो फिलहाल करीबन जो 10-15 मिनट की मुलाकात हुई है गृहमंत्री से टीएमसी के सांसदों की, जिसके बाद में ये बैठक खत्म हुई है और जब सांसद बाहर निकले उनका यही कहना है कि गृहमंत्री ने भरोसा दिया है कि वो इन बातों पर गौर करेंगे।
कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर जो टीएमसी के सांसद हैं वो सुबह से गृह मंत्रालय के बाहर नॉर्थ ब्लॉक में धरने पर बैठ गए। फिर 17 जो सांसद हैं टीएमसी के उनको गृहमंत्री ने अपने घर बुलाया। अब मुलाकात कर ये सांसद बाहर निकले हैं इस आश्वासन के साथ कि गृहमंत्री ने कहा है कि वो हर चीज का ध्यान रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।